दोस्तों, क्या आपके घर में इंटीरियर का काम चल रहा है, टाइल्स फिटिंग का काम चल रहा है? तो टाइल्स खरीदने अगर आप जा रहे हो तो उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखते हुए जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम टाइल्स के बारे में सारी ही जानकारी हम कवर करने वाले हैं जो भी आपको जरूरी है एक अच्छा सुंदर टाइल्स खरीदने के लिए। दोस्तों, आज हम आए ऑर्चिड इंटरप्राइजेस के अंदर, इंदौर शहर के अंदर। तो यहाँ पर हम टाइल्स के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे और हमारे साथ है अंकुर भैया, यहाँ के ओनर। तो इनसे हम टाइल्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार अंकुर भैया। नमस्ते भैया। तो भैया, टाइल्स में आप किन किन चीजों में डील करते हैं? टाइल्स में जो फ्लोर टाइल्स हो गई, तो उसमें सबसे पहले 2x2 साइज आती है, उसमें भी डीलिंग करता हूँ मैं। 2x2 में डबल चार्ज और आइवरी शीट्स के बहुत सारे पैटर्न है मेरे पास। उसके बाद अभी जो ट्रेंड आ गया है 4x2, 2x2 से बड़ी साइज है 4x2, थोड़ा सा ट्रेंड आजकल उसका चल रहा है। 4x2 में आपको फिनिश एक कारिंग वाली मिल जाएगी, एक शुगर वाली फिनिश मिल जाएगी, एक ग्लॉसी मिल जाएगी और एक मैट मिल जाएगी। 4x2 जनरली आजकल सभी जगह लगाने लग गए हैं और उसकी जो रेंज आती है वो 50 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 80-90 रुपये स्क्वायर फीट तक की आती है, जिसमें आपको वेरायटी मिल जाती है। आजकल फ्लोरिंग तो ठीक है, लेकिन आजकल वॉशरूम में भी लोग 4x2 के साइज प्रीफर कर रहे हैं। वॉल पे भी आजकल 4x2 लगा रहे हैं। 4x2 के आपको शेड्स ये दिख सकते हैं, आपको लाइट है, डार्क है, इसमें सब तरीके शेड मिल जाएंगे आपको, जो कि 2x2 में इतने शेड्स नहीं आते थे, लेकिन 4x2 में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। फिनिशेस ज्यादा है। हाँ, 2x2 जनरली वेट्रीफाइड टाइल्स आती थी और ये जो टाइल्स है डिजिटल टाइल्स है, इस पे जो डिजाइन होती है वो डिजिटली बनती है, मशीन के थ्रू बनती है। 2x2 जो आती थी वेट्रीफाइड आती थी, टाइल्स के ऊपर जो डिजाइन नेचुरल आती थी वो यूज होती थी। शायद वो सिर्फ फ्लोर के लिए, वो फ्लोर के लिए यूज होती थी, दीवार पे नहीं लगा सकते थे, पर ये आजकल दीवार पे भी लग जाती है। तो इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, जैसे अपनी चॉइस हो, जैसा अपन कलर चाह रहे हैं, शेड चाह रहे हैं, वो चीज आपको सब मिल जाएगी। इसके बाद बाथरूम टाइल्स, बाथरूम में जनरली रफ सरफेस वाली टाइल्स यूज होती है, जिससे कि कभी भी स्किड नहीं हो अपन, तो उसमें जनरली एंटी स्किड टाइल्स बोलते हैं उसको, और जिसको मैट फिनिश टाइल्स बोलते हैं। तो बाथरूम में जनरली वो टाइल्स लगती है, अपना फ्लोर हो गया या वॉल पे, सब जगह वही टाइल्स लगती है। बाकी देख सकते हैं सैंपल। हाँ, सैंपल आइए दोस्तों। ये टाइल्स है जो बाथरूम के फ्लोर पे लगा सकते हैं अपन। जनरली बाथरूम में डार्क कलर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बड़ा दिखे और गंदगी नहीं दिखे बाथरूम में, इसलिए इस टाइप के डार्क कलर यूज होते हैं। कोई अगर लाइट लगाना चाहे तो लाइट भी लग जाएगा, वुडन चाहते हैं लोग तो वुडन भी लगा सकते हैं बाथरूम में। तो ये सब पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें और भी पैटर्न्स मिल जाएंगे देखने को अपने को। ये सब फ्लोर की टाइल्स होगी। हाँ, ये जो अपन देख रहे हैं ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर जनरली यूज होते हैं किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, या कहीं पे अपन पूरे बाथरूम में एक कुछ पैनल बना ले, शॉवर पैनल, जो कि थोड़ा सा हाईलाइट हो, थोड़ा सा लुकिंग उसकी ओर बढ़ जाए, अट्रैक्टिव दिखे। तो इसमें ये जो पैटर्न है, अब इन पैटर्न से अपन कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं, डिजाइन कस्टमर जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, या पर्टिकुलर कुछ शेप में अगर लगाना हो उस शेप में ये सब लगा सकते हैं। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इसमें और भी डिजाइन आती है, तो अपन वैसे भी सब लगा सकते हैं। तो ये हाइलाइटर का हो गया। दूसरा अपन देखें तो ये है एलिवेशन टाइल्स। एलिवेशन टाइल्स जनरली एक्सटीरियर में लगती है घर के, तो इसमें दो सरफेस आती है, एक तो रफ सरफेस आती है और एक ये शाइनिंग सरफेस आती है जो कि ग्लॉसी आती है। ये ग्लॉसी है, रफ वाली सरफेस है, ये स्टोन जैसा लुक देती है, और ये जो ग्लॉसी है ये थोड़ा सा टेक्सचर जैसा रूप देती है, कि टेक्सचर ऐसा लगता है टेक्सचर करा हुआ है, थोड़ा चमकीला शाइनिंग है। तो इसमें दोनों जनरली लगती है, इसमें बहुत सारी डिजाइन आती है, जो अपन चाहे वो अपन लगा सकते हैं। तो मटेरियल है तो दोनों सेम, दोनों सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, लुकिंग का फर्क है बस। और ये ये फिनिश है, ये जो फिनिश है ये मार्बल फिनिश है, ये आपको दिख रहा है मार्बल जैसा दिख रहा होगा। दूसरी ये फिनिश ग्लॉसी है जो शाइन कर रहा है आपको, इसमें अपना रिफ्लेक्ट होता है ये लाइट, इसको ग्लॉसी बोलते हैं। ये शुगर वाली फिनिश है, ये इसमें आपको देख लेंगे छोटे छोटे शाइन मार रहे, छोटे छोटे हाईलाइट हो रहा है, छोटा छोटा पोर्शन, इस पर अगर लाइट आएगी तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, शाइन करेगा, शुगर पैटर्न बोलते हैं इसको। कार्विंग वाला डिजाइन बोलते हैं, कार्विंग करी हुई है जैसे नेचुरल ग्रेनाइट में आती है उस टाइप की कार्विंग है। ये भी आपको कार्विंग वाला पैटर्न दिख रहा है, ये इसमें भी कार्विंग है, और ये आपको वापस ये स्टोन वाला ग्रेनाइट जैसा जो लुक आ रहा है वो वाली डिजाइन है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स के इतनी सारी फिनिशिंग आती है, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। क्या स्क्वायर फीट पड़ते हैं भैया? ये लगभग भैया 50 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 80-90 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है टाइल्स 4x2 की। ये क्रेंजा करके ब्रांड है, मोरबी में प्लांट है इस कंपनी का, क्रेंजा करके प्रोडक्ट आता है इसका। दोस्तों, हमारे साथ है जितेंद्र भैया, हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टाइल्स फिटिंग करते हैं। तो जितेंद्र भैया, हमारे जो व्यूअर्स है, अगर उनके घर में टाइल्स फिटिंग का काम चल रहा है
तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे आप ये बताइए। पहली बात तो एक टाइल्स लगाते समय टाइल्स वाला व्यक्ति जो है लगाने वाला वो व्यवस्थित व्यक्ति हो, जिन्होंने मतलब कि कुछ काम कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में क्या है कि टाइल्स लगाते समय जमीन की फेस सरफेस वगैरह सही साइड रहे जी। उसके बाद में जमीन पे टाइल्स लगाते समय जॉइंट वगैरह का ध्यान रखें और व्यवस्थित रहे टाइल्स लगाएं। और उसके बाद में जो है अपनी मतलब कि टाइल्स हमेशा मतलब कि थोड़ी सी क्वालिटी वाइज खरीदे। सेकंड वगैरह की टाइल्स लगाने के बाद में आदमी बोलता है बोले कि जॉइंट प्रॉपर नहीं हुए और ये नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। मतलब ब्रांडेड टाइल्स के साथ, ब्रांडेड टाइल्स के साथ जाएं। तो भैया मैं आपसे अभी अभी एक सवाल आया मेरे दिमाग में, तो अगर ब्रांडेड भी आती है नॉन ब्रांडेड भी आती है तो क्या नॉन ब्रांडेड खराब होते हैं क्या टाइल्स? नॉन ब्रांडेड खराब नहीं होते, खराब होती है कि जब जॉइंट अगर मिलाते हैं आप तो फिर आगे पीछे जाते हैं। अच्छा, जो कई जगह मिलती नहीं है, फिर उस समय ये बोला जाता है कि ये टाइल खराब है और ये खराब है जी। आपका पैसा भी लग रहा है, मटेरियल भी लग रहा है और काम भी व्यवस्थित नहीं हो रहा है। इसके बाद भैया वो ग्राउट होता है जो जॉइंट्स के ऊपर लगाया जाता है, हाँ। तो वो क्या होता है मतलब उसका कॉन्सेप्ट, वो मतलब क्या टाइल्स उससे ज़्यादा साल तक ड्यूरेबल रहते हैं क्या वो टाइल्स से? हाँ, टाइल्स की व्यवस्थित मतलब कि जो फिटिंग है, मतलब अभी अगर आप लगाते हो जॉइंट्स के बीच में, हाँ, अगर टाइल्स के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी खत्म हो जाती है उससे। उसके बाद में जो है टाइल्स अगर लग रही है तो उसके अंदर जो अगर ग्राउट अगर आप देते हैं तो जैसे धूप वगैरह से तेज हीट वगैरह रहती है जी, तो उससे टाइल्स ऊपर नहीं आती है, मतलब उमर बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। अगर कभी एक टाइल्स टूटती है जी, तो सिर्फ अगर राउट लगा रहता है तो सिर्फ वो टाइल्स निकल वापस लग जाएगी। अगर जॉइंट से रहेगा तो पूरी फ्लोर निकालना पड़ेगा, तो ये एडवांटेज देता है। दूसरा ग्राउट लगता है तो थोड़ा सा उसको जो बेस रहता है फ्लोर पे बराबर चारों डायगोनल से बराबर सेटिंग होती है उसकी, नहीं तो लेवल ऊपर नीचे होता है, इसमें गैप रहता है तो सब बराबर सेटिंग हो जाती है। तो फिर से मैं यहाँ पर अंकुर भैया का और जितेन भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उनका बहुमूल्य टाइम हमें दिया है और आपको और हमें समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आपके जो भी सवाल है, जो कुछ भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।